अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू। एंड मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ इसका, ये है एक पैडी फाइलर, जिसको हम पैडी स्क्रबर भी कह सकते हैं। ये इस तरह की शेप में आता है, आप लोगों ने इसको ऑलरेडी देखा होगा। आज मैं फुल डिटेल से इसी का ही रिव्यू शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये जो है इस तरह बहुत ही हैंडी पैकेजिंग में आता है, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है। इजी टू कैरी है, हम इसको इजीली कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। ट्रैवल फ्रेंडली है बहुत ज्यादा, उसके अलावा यूज करने में भी बहुत ज्यादा इजी है। सो ये जो है एक प्लास्टिक की पैकेजिंग में आया था, जो कि मैं ऑलरेडी खोल के उसको फेंक चुकी हूँ। एंड ये जो इसके एक्स्ट्रा स्क्रबर है जो कि यहाँ पे इस तरह लगते हैं ये वाले, तो ये मैंने अलग से लिए हैं, ये मुझे इसके साथ नहीं मिले, ये मैंने इसको अलग से परचेज किया। सो जब आप इसको लेंगे तो आपको सिर्फ ये एक ही स्क्रबर मिलेगा, दूसरे साथ नहीं मिलेंगे, वो आपको अलग से लेने पड़ेंगे। और उसके अलावा जो है यहाँ पे हम इसकी बैटरी डाल सकते हैं। ये देखिए इसमें जो है चार सेल डलते हैं, और यहाँ पे हमें ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, इस तरह हम घुमाएंगे तो ये ऑन हो गया। अच्छा, तो कुछ गर्ल्स जो है वो मुझसे क्वेश्चन करेंगी कि इसको हम कहाँ से खरीद सकते हैं। वैसे तो ये आप लोगों को लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा, मैंने इसको दराज से खरीदा है। एंड दराज पे कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं मिलती, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अच्छी मिल जाती हैं। तो दराज से शॉपिंग करने का जो अच्छा तरीका है वो यही है कि आप लोग पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ लिया करें, कमेंट्स पढ़ लिया करें कि नीचे लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसके बाद ही उसको ख़रीदा करें। सो मैं जब भी दराज से चीज़ खरीदती हूँ हमेशा मैं ऐसे करती हूँ, पहले उनके कमेंट्स लाजमी पढ़ती हूँ, रिव्यूज़ लाजमी पढ़ती हूँ। अगर तो उसको 5 स्टार्स मिले हुए होते हैं चीज़ को, फिर ही मैं उसको परचेज करती हूँ, अदरवाइज मैं उसको फिर परचेज नहीं करती। अच्छा, जो मैंने इसको परचेज किया, मैंने 350 रुपीज़ में इसको परचेज किया है, और मुझे जो सेलर है मीन्स जो दराज में उनकी शॉप है उनका प्रॉपर नेम अब याद नहीं है कि मैंने कहाँ से ख़रीदा था। आप लोग खुद चेक करके अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, यहाँ पे ये जो है ओरिजिनल नहीं है, जो ओरिजिनल वाला है उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा है, और दराज पे जितने भी हैं आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी ओरिजिनल होगा। ओके, अब मैं जो है इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसको मैंने अपने फुट पे किस तरह से यूज़ किया, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं। मैं अब आप लोगों को यूज़ करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से यूज़ होता है। तो मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डेड स्किन है जो कि मेरे पाँव पे इस तरह से उतरी है। तो अब मैं आप लोगों को इसको यूज़ करके दिखाती हूँ अपने पैरों पे कि मैं इसको मोस्टली किस तरह यूज़ करती हूँ। जस्ट हम अपना बटन ऑन करेंगे इस तरह से, ये जो है इस तरह घूमने लग जाएगा, जहाँ हमारी डेड स्किन है उसके ऊपर हमने इस तरह से इसको फेरना है। तो मैंने नीचे काला कपड़ा इसीलिए बिछा दिया था ताकि आप लोगों को जो है ईजीली नज़र आ सके, जो डेड स्किन उतर रही है वो आप लोगों को वाज़े तौर पे नज़र आ जाए। मैं इसको वीक में एक बार यूज़ करती हूँ और जितनी भी डेड स्किन होती है वो उतर जाती है, और मेरे पाँव इतने ज़्यादा सॉफ्ट मज़े के हो जाते हैं। तो हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने इसको जो है ड्राई पाँव पे यूज़ करना है या गीले पाँव पे यूज़ करना है। तो मैंने जो है एक ड्राई पाँव पे भी इसको यूज़ करके देखा था, उस पर ये वर्क नहीं करता, उससे भी डेड स्किन उतरती है लेकिन इतनी नहीं जितनी गीले पे उतरती है। तो यहाँ पर मैंने अपने पैरों को धोया हुआ है अच्छी तरह से, मैंने इनको वॉश किया है। वॉश करने से ये होता है कि हमारे पाँव की जो जितनी डेड स्किन है वो नरम हो जाती है। फिर मैंने उसको टॉवल की हेल्प से उसको हल्का हल्का डैप डैप करके उसको सुखाया, बहुत ज़्यादा मैंने यानी अपने पैरों को सुखा नहीं लिया। फिर उसके बाद जब मैंने इसको यूज़ किया है ना, तो वो नरम स्किन होके ना इजीली उतर रही है। तो अब आप देख सकते हैं, ये मैं दूसरे पाँव पे ट्राई कर रही हूँ, तो कितने इजीली जो है मेरी डेड स्किन सारी उतर रही है। मैं इसको वीक में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ, अगर आप चाहें तो इसको वीक में 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा है, आपकी ड्राई स्किन जो है जल्दी यानी ये जो मैल है ऊपर जल्दी आ जाती है, तो इसलिए आप इसको 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वीक में एक दफ़ा करती हूँ और मेरा पूरा वीक आसानी से गुजर जाता है, मेरे पाँव जो है नरम मुलायम ही रहते हैं।
आई थिंक ये क्विक वे है इस तरह के डेड स्किन को रिमूव करने का। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप जॉब करती हैं या आप बिजी रहती हैं, घर में मदर हैं, तो बिल्कुल भी आई अंडरस्टैंड के टाइम नहीं होता। ये बहुत कन्वीनियंट है, इजीली जो है हमारे पूरे पाँव से ये सारी डेड स्किन इस तरह रिमूव हो जाती है। अक्सर लोगों को पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता और ख़ुद भी हम स्क्रबिंग वगैरह नहीं कर सकते। पहले हम स्क्रबिंग करें, उसके बाद अपना मैनी पैडी करें, तो ये ज़्यादा इजी तरीका है। इस तरह हमारे पाँव बहुत ही अच्छे तरीके से नरम मुलायम हो जाएंगे। सो ब्लैक कपड़ा बिछाने का मकसद यही था कि आप लोग वाजे तौर पे देख सकें कि किस तरह से सारी डेड स्किन उतरी है और वो किस तरह से नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अब मैंने पूरे अपने पाँव को अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया है। ओके, तो अब स्क्रबिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पैरों को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेंगे। यहाँ पे आप कोई मॉइस्चराइजर क्रीम, कोई सीरम कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप वो ले लें। तो यहाँ पे मैं ये वाला सीरम ले रही हूँ एंड इसको मैं अपने फुल पैरों पे लगा लूँगी अच्छी तरह, और इसको अच्छी तरह से मैं मसाज कर लूँगी अपने पैरों पर। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप सॉक्स पहन लें घंटे दो घंटे के लिए। फिर इस तरह ये होगा कि आपके पाँव ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होंगे, मैले नहीं होंगे, और अब आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं मेरे पाँव कितने ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे हो गए हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।